हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू राजेश डॉट एक्सेल पॉइंट। गाइस, आज का जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक वॉच करें। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में मैं आपको टोटल 3 फॉर्मूला बताने वाला हूँ। ये 3 फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जानने के बाद उम्मीद करता हूं कि आप किसी भी इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये कंपनी है, और कंपनी में जो पेंट्री स्टाफ होते हैं, पेंट्री स्टाफ को कुछ अकाउंट दिए जाते हैं, खर्चे दिए जाते हैं, ताकि वो बाकी के स्टाफ को टी, स्नैक्स, मिल्क, इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर पाए। तो पेंट्री स्टाफ के पास 2 अकाउंट दिए गए हैं, कंपनी ने दिया है, एक एसबीआई अकाउंट, एक पीएनबी अकाउंट। एसबीआई अकाउंट में 1000 रुपीज़ है, पीएनबी अकाउंट में 1500 रुपीज़ है। अब करना क्या है कि पेंट्री बॉय जितना भी अमाउंट यूज करता है, यहाँ पे एंट्री करता है, तो यहाँ पे जो बैलेंस है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होना चाहिए, लाइक एज अ बैंकिंग बिलिंग की तरह। तो गाइज, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अकाउंट जो एसबीआई अकाउंट है यहाँ पे डबल क्लिक करना है, इक्वल टू का साइन लगाना है, बैक साइड में आना है, माइनस का साइन लगा के सम टाइप करना है, माइनस का साइन लगा के सम टाइप करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, और सबसे पहले पूरी रो को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज, एंटर। अब मान लीजिए कि यहाँ पे पेंट्री बॉय ने टी के लिए 150 रुपीज यूज किया। देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक बैलेंस जो है वो मेंटेन हो रहा है। सेम पीएनबी के लिए डबल क्लिक, और यहाँ पे माइनस का साइन, सम टाइप करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, और यहाँ पे पूरी रो को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट को क्लोज, एंटर। यहाँ पे मान लीजिए मिल्क के लिए पेंट्री बॉय ने 250 रुपये यूज़ किया। देखिए, तो इस तरीके से जितने भी यूसेज पेंट्री बॉय करता है और यहाँ पे एंट्री करता है, तो यहाँ पे बैलेंस ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही है। यदि अच्छी लग रही है तो अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सब्सक्राइब कर दीजिए। सेकेंड फॉर्मूला पे आते हैं। सेकेंड जो फॉर्मूला है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें इंटरव्यू में पूछा गया था कि ये क्लाइंट नेम दिया गया है, ये लाइफ इंश्योरेंस क्लाइंट की पॉलिसी है, यहाँ पे पॉलिसी डेट दी गई है। अब पॉलिसी का प्रीमियम जब लिया था, पॉलिसी तो ऑलरेडी पेड कर दिया है, अब उसको 2 साल बाद पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो पेड करना है, तो वो कौन सी डेट होगी, मतलब रिन्यूअल डेट जानना चाहता है। तो इसके लिए गाइस, इक्वल टू का साइन टाइप करना है आपको। इक्वल टू का साइन टाइप करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे ई डेट टाइप करना होगा, ई डेट टाइप करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, सबसे पहले आपको पॉलिसी डेट सेलेक्ट करना है, कोमा लगाना है, और उसके बाद ईयर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद अगेन कोमा लगाना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कोमा की जगह मल्टीप्लाई लगाना है, सॉरी, और यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद एंटर कर देना है, वापस जाना है, डबल क्लिक। देखिए, सभी पॉलिसी की जो रिन्यूअल डेट है वो फाइंड हो चुकी है। अब हम अपने थर्ड फॉर्मूला पे आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे कि ये होटल है, और इस होटल में ये रूम नंबर दिए गए हैं, ये विजिटर नेम दिया गया है, मतलब जो भी क्लाइंट होटल में आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनका ये नेम है, ये डेट है जिस डेट में क्लाइंट आए हैं और गए हैं, ये चेक इन टाइम है, मतलब कि मॉर्निंग के 8 बजे यदि राजेश की एंट्री होती है होटल के अंदर, और 5:45 में राजेश चेकआउट कर देता है, चला जाता है होटल से, तो हमें यहाँ पे जो फाइंड करना है कि राजेश ने टोटल कितने घंटे होटल में स्पेंड किया, कितने घंटे स्टे किया। तो गाइज, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इक्वल टू का साइन टाइप करना है, और यहाँ पे टाइप करना है टैक्स। टैक्स टाइप करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज, ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे जो सेलेक्ट करना है, चेकआउट टाइम सेलेक्ट करना है। चेकआउट टाइम सेलेक्ट कर लिया, माइनस करके चेक इन टाइम सेलेक्ट करना है, उसके बाद कोमा लगाना है, इन्वर्टेड कोमा ओपन करना है, और यहाँ पे स्मॉल में HHMM, ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट को क्लोज करना है, क्लोज करने से पहले इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंटर। एंटर करने के बाद वापस जाना है,
प्लस का आइकॉन आ जाएगा, डबल क्लिक, मतलब कि अब जो राजेश हैं वो रूम नंबर 101 में आए, उन्होंने 5 तारीख को एंट्री किया मॉर्निंग के 8:00 मॉर्निंग में, और 5:45 मतलब 5:45 इवनिंग में वो आउट हो गए होटल से, मतलब चले गए। तो यहाँ पे राजेश ने टोटल जो होटल में टाइम स्पेंड किया वो 9:45 किया था। इस तरीके से बाकी की भी क्लाइंट की डिटेल स्टे टाइम आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना।